फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ और 11 साल बाद शिखर धवन की तलाक को मंजूरी मिल गई है। शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम शुरुआती दौर से ही गूंजता रहा है। आज हम बात करेंगे शिखर धवन के कि आखिरकार उनका तलाक किस वजह से हुआ, शिखर धवन की शादी कैसे हुई थी और शिखर धवन ने ऐसा क्यों किया जो समाज से कुछ ना कुछ हट कर था। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आपने अक्सर स्टोरियां देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी कि शादी होती है, शादी के पहले प्यार होता है, फिर शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर तलाक होता है। अमूमन ऐसा लगभग आप देखते होंगे, लेकिन जब बात किसी बड़े सितारे की, बड़े व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की हो तो बात करना लाजमी हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है क्योंकि अक्सर इन लोगों को वो युवा चेहरे देखते हैं और कुछ देख करके सीखने की कोशिश करते हैं, और उसी परिदृश्य में इन बातों का जब जिक्र होता है, शादी, तलाक, प्यार, तो शायद क्या संदेश जाता है। हम इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बात करेंगे आज हम शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की। शादी कैसे हुई? शादी हुई थी, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली कोर्ट में जो शिखर धवन ने तलाक के लिए पेश किया था उसको मंजूरी कोर्ट से मिल गई है। आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि उनकी ओर से, यानी कि शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी की ओर से मानसिक प्रताड़ना या क्रूरता कह सकते हैं, उनको बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा था। अब बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा था या सिर्फ इतनी बात है या इसके बाद भी कुछ बातें हैं, तो इसके पहले कि हम बात शुरुआत से करेंगे तो आप समझ ज्यादा पाएंगे। दरअसल 2009 में शादी की थी आयशा मुखर्जी ने और शिखर धवन ने। इससे पहले आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन से शादी की। उस बिजनेसमैन के पहले की कहानी समझिए जरा। इससे पहले है आयशा मुखर्जी की दोस्ती हरभजन सिंह से थी, और हरभजन सिंह के फेसबुक अकाउंट से शिखर धवन ने फोटो देखी, फोटो के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बातचीत होना शुरू हो गई। बातचीत इतनी बढ़ गई कि बातचीत का सिलसिला प्रेम में बदल गया, और प्रेम में बदलने के बाद में इतना बदल गया कि शादी ही करनी पड़ी। लेकिन शादी करने के पहले की और भी कुछ स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जिस बिजनेसमैन से शादी की थी आयशा मुखर्जी ने, उससे दो बेटियां थी, और ये बात शिखर धवन को पता चली। इसके बाद साथ साथ तकरीबन 10 से 11 साल बड़ी हैं आयशा मुखर्जी शिखर धवन से, ये बात भी शिखर धवन को पता थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शादी आपस में की, क्योंकि कहते हैं कि प्यार में कोई उम्र नहीं होती और प्यार शायद कह सकते हैं कि अंधा होता है। 2009 में शादी की। इसके बाद शादी के 2-3 साल बाद ही अनबन की बातें सामने आने लगी, और सामने आने की वजह क्या थी, सबसे जरूरी बात समझना आपके लिए ये है। रिया और रिहान, रिया और आलिया नाम की दो बेटियां हैं। रिया 21 साल की है और आलिया 17 साल की है, जो बिजनेसमैन की बेटी थी, जो आयशा मुखर्जी की पहली दो बेटी है। शिखर धवन से एक वर्तमान में लड़का है। अब कहानी आकर ये फंसी कि इनका वादा जो बिजनेसमैन से था, यानी कि आयशा मुखर्जी का, कि ये अपनी दोनों बेटियों को बखूबी से पालेगी और ऑस्ट्रेलिया करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जब शिखर धवन से शादी हुई तो ये वादा हुआ कि वो शिखर धवन के साथ रहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में ये बातें नहीं हो पा रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ना नहीं चाह रही, यानी कि आयशा मुखर्जी, और शिखर धवन यहाँ बुलाना चाह रहे। कोर्ट में जब इन सारी बातों का जिक्र हुआ तो ये बात निकल कर के सामने आई कि आखिरकार ये मामला फंस रहा है, और कोर्ट ने मंजूरी दे दी। हालांकि जो बच्चा है उससे वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी गई है, और छुट्टियों में माँ के पास भी रहे और पिता के पास में भी रहे, ऐसी कोर्ट ने अनुमति दी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो मेन वजह ये निकली कि आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ना चाह रही और शिखर धवन
भारत में रहना चाह रहे हैं। लेकिन मसलन संदेश क्या जाता है समाज में कि आखिरकार जो चेहरा है आइकन का है। अगर हम क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी क्रिकेट प्रेमी शिखर धवन के बहुत हैं, भारत में भी बहुत हैं। एक चेहरा है, एक आइकन है, इनको लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन जब ऐसी तलाकशुदा बातें सामने आती हैं तो ये उन दर्शकों के लिए झकझोर देने वाली बातें होती हैं, जो प्रशंसक होते हैं, जो दर्शक होते हैं कि ऐसा शिखर धवन के साथ क्यों हुआ। हालांकि ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, इसके बारे में कुछ कहना समझना किसी के कोई टिप्पणी की बातें नहीं है। लेकिन एक भारत में अच्छा चेहरा शिखर धवन माने जाते हैं, उनके साथ ये घटना होती है और घटना की वजह क्या होती है हमने इस वीडियो में बताने की समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और यूट्यूब को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, आल बटन पर क्लिक जरूर करें। नमस्कार।